लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स। दीवा स्टेशन रोड पर आज ठाणे महानगर पालिका ने 6 से 8 इमारतों को तोड़ने का काम शुरू किया है। आपको बता दें कि दीवा स्टेशन पर जाने वाला जो रोड है वहां पर एक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। करीब 6 से 8 इमारतों को मनपा ने नोटिस जारी किया था और आज सुबह से ही इन इमारतों को तोड़ने का काम शुरू भी कर दिया गया है। इस दौरान लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे और जमीन पर लेटकर अपने घरों को बचाने के लिए ये विरोध करने लगे। हालांकि कार्रवाई के दौरान पुलिस का भी बड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। अपने घर को टूटते हुए देख लोगों के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों ने ये भी बताया कि वो अपना घर का सामान भी नहीं निकाल पाए थे और मनपा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान महिलाएं बेहोश होती भी नजर आईं। वहीं जहां इन लोगों को मनपा पड़ले गांव में शिफ्ट करने की बात कर रही है, वहीं लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें दीवा में ही शिफ्टिंग दी जाए। ब्रिज निर्माण के लिए आज इमारतों पर तोड़ कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं लोगों के आंखों के सामने ही मनपा ने इनके आशियाने को तोड़ दिया। इस दौरान आंखों में आंसू लिए रोते बिलखते हुए लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। सबसे पहले तो ये कहूँगा, ये जो कार्रवाई यहाँ की आज हुई है ये टोटली इलीगल बेसिस पे हुई है और टीएमसी इतने सालों से इलीगल बेसिस पे ही कार्रवाई करते हैं, क्योंकि लीगल बेसिस पे ये कर ही नहीं सकती। अभी आप देखेंगे, ये मेरे हाथ में पेपर्स है, कल हमारी कोर्ट में ऑर्डर है, सुनवाई है, इनके साथ बैठक है, आप देख सकते हो क्लियर पेपर कल की डेट का है। तो ये इसके एक दिन के लिए भी रुक नहीं सकते। आने वाले अभी 2-4 दिन में दिवाली है, अरे लोगों की दिवाली तो कम से कम अच्छे से जाने दीजिए। आप करिए, आपके प्रोसेस के लिए हम लोग नहीं, बस हम लोग ने इतनी बार 3 बार इन लोग की, खुद हाईकोर्ट ने उन लोग की नोटिस को ये किया कि आप लीगल प्रोसेस से क्यों नहीं जा रहे, इलीगल प्रोसेस से क्यों जा रहे, हर बार इलीगल वे क्यों होना चाहिए आपका। आज मैं सुबह जब लोगों का तोड़ रहा था, मैं खुद जेसीबी के नीचे आके बैठा था कि मेरे ऊपर से लेके जाओ, पर ये नहीं होना चाहिए। बट फिर भी ये लोग आज पुलिस प्रशासन इनको बहुत हेल्प कर रहा है, खुद मुझे पुलिस प्रशासन बोला हुआ, हम लोग कोई ऊपर से ऑर्डर, ये आज तक मुझे समझ में आया ये ऊपर से ऑर्डर कितना। अरे तुम्हारे लिए लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको मतदान करते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए खाली ऊपर से ऑर्डर, मतलब जो सत्ताधारी है खाली वही बोल सकते हैं, यहाँ पे उनका ही जुलूम चलता है यहाँ पे। ये मुझे बहुत गलत लगता है और इसका मैं क्लियरली निषेध करता हूँ। अभी आगे के कदम तो अभी कल हमारी तारीख है, उस सुनवाई के ऊपर है, उसमें हम कोर्ट में मेंशन करने वाले हैं। हम लोगों को मारा पीटा गया है यहाँ पे, हमारे ज़बरदस्ती हमारे घर तोड़े गए। अगर ये एक दिन और नहीं रुक सकते थे, आप जब भी देते हो नोटिस देते हो और शाम में नोटिस देते हो कि कल आपकी हियरिंग है, ऐसे कैसे होता है? हमारा भी वकील आएगा ना आपसे बात करने के लिए, उतना तो वक्त देना चाहिए आपने लोगों के लिए। आप लीगल प्रोसेस से क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि लीगल प्रोसेस से ये ब्रिज हो ही नहीं सकता, उनको मालूम है। ठाणे महानगर पालिका की तरफ से आज दीवा भाग में जो कार्रवाई चल रही है, आपको पता है यहाँ आरओबी मर रहा है, आपको ये पता है कि अगर ये क्रॉसिंग की वजह से कितनी जाने गई, तो इसीलिए ये आरओबी शहर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि रेलवे का काम है तो इसके माध्यम से फिर हमने ये आरओबी का काम चल रहा है, है ना। अब आरओबी जहाँ उतरेगा तो उस तो बिल्डिंग्स बाधित होंगी, और जो बिल्डिंग बाधित हो रही हैं वो इल्लीगल बिल्डिंग्स हैं, इल्लीगल होते हुए भी हम इनका पुनर्वसन कर रहे हैं, लीगल बिल्डिंग में पुनर्वसन कर रहे हैं। नागरिक बोल रहे हैं कि भाई दिवाली है रोक दीजिए, अरे हमारा कहना है लीगल बिल्डिंग में दिवाली मनाइए ना, अपने घर में, अपने घर में। देखिए एक मैं बता देता हूँ, यहाँ जो भी लोग नीचे उतर रहे हैं ना, सब भाड़े करूँ, दुकानदार भाड़े करूँ, घर में रहने वाला भाड़े करूँ, अरे यहाँ तो आपको मालकी का घर मिल रहा है टीएमसी की तरफ से, तो खुद मत मोस्टली ओनर्स पर आहेत असं नाही, अरे आम्ही बोललोय त्यांच्याशी म्हणून, अच्छा ठीक आहे, पण प्रमाण पण कमी आहे ना। तर आमचं काय म्हणणं आहे, आम्ही तुम्हाला लीगल घर देतोय ना, दिवाळी करा लीगल घरात करा। सर इसमें टोटल कितने बिल्डिंग और दुकान है सर? बेटा ये फेस वाइज काम चल रहा है, मेरे पास एएमसी मैडम बताएंगी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फेस वन में काम चल रहा है, ये फेस वन में हमने 6 बिल्डिंग ली हुई है, इसमें 46 जो है ये हमारे गाड़े धारक हैं, यानी जिनकी दुकानें हैं, और 123 लोग जो हैं
वो बाधित हैं, 123 कुटुंब जो है इसमें बाधित हो रहे हैं।